मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र के तरफ से आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। मित्रों, जब कोई कठिन परिश्रम किया जाता है और सकारात्मक रूप से सोच के साथ आगे बढ़ा जाता है और हम अपनी संवैधानिक अधिकार के प्रति जब संघर्ष करते हैं तो फलदायी होता है। जिसे कहा गया है कि कर्मणैव अधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन, ऐसा नहीं है, फल की आशा न करें। ये तो ठीक है, हमको कर्म पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा गीता का उपदेश है, लेकिन हमें फल की आशा भी रखनी चाहिए। और फल की जब हम आशा सकारात्मक और संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार के ऊपर नियमानुसार जब कोई चीज की लड़ाई करते हैं तो वो हमें उसका फल भी सुखद मिलता है, परिणामदायक मिलता है। मित्रों, मैं आपकी प्रेरणा के लिए आज बहुत ही अच्छा वीडियो आपको देने वाला हूं। आपके उपयोग का है, आपके काम का है, आपका बहुत ही जानकारी अच्छी मिलेगी। आज का वीडियो जरूर 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 देखिए। मित्रों, मैंने टियागो गाड़ी 30/6/2018 को, टाटा टियागो गाड़ी 30/6/2018 को खरीदी थी। ये है हमारा वो एसआरआर मोटर से, आप देख सकते हैं ये है, इसको खरीदा था 30/6/2018 को, 21/6/2018 को हमने खरीदा था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आदेश था कि हमें जीएसटी का एक ज्यादा, हम भी उस समय जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें उस समय पता था, उससे पहले हम इस विषय में जानकारी रखते थे, तो इसके लिए हमने पूरा प्रयास करके भारी उद्योग मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस से हमने ये सूचना भेजी। उनके निर्धारित प्रपत्र के ऊपर हमने अप्लाई किया था कि हमको गाड़ी खरीदनी है, हमको जीएसटी के छूट के चाहिए, और गाड़ी जो मैं खरीदने वाला था उसका नंबर, उसका चेसिस नंबर, ये सब जो कुछ भी उनके फॉर्म में वांछित था वो सब भेज दिया था। वहां से हमको अप्रूवल भी मिल गया था कि आपको जीएसटी का, उसमें परसेंटेज सही नहीं लिखा था, लेकिन लिखा था कि जीएसटी का कंसेशन एक जो भी देय है वो इस नियम के अंतर्गत इनको डीलर को प्रदान किए जाने का आदेश दिया जाता है। वो मैंने डीलर एसआरएम मोटर को दिखाया गाड़ी, चूंकि हम एडवांस कर चुके थे, सब कुछ कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि हम तुरंत तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको ये रिफंड जीएसटी डिपार्टमेंट देगा, जो कि गलत था। अब अभी मैं आपको पूरा नियम बताऊंगा, पूरे पढ़ के बताऊंगा, जो वो उनका कहना कथन गलत था। और खैर, मैंने मान लिया। फिर मैंने वहां पे पत्र लिखते रहे और काफी पत्र लिखे, लेकिन न तो ये सारे मोटर्स ने कोशिश की, न कुछ जीएसटी वालों ने। फिर मैंने जो प्रक्रिया थी, मुझे प्रक्रिया मालूम नहीं थी, मैं बिक्री कर विभाग, जो कि अब जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया है, एक तो कस्टम सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज जो था वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, और कुछ भाग बिक्री कर विभाग जो राज्य सरकारों का था उसको जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट जो राज्य सरकार का था उसके अंतर्गत एसआरएम मोटर्स हमारा आता था, तो वहां पे गया और वहां पे एक बहुत ही सहृदय और बहुत ही कुशल अधिकारी मिस्टर शक्ति सिंह जिसे मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। उन्होंने कैसे क्या किया उसका पूरा हमको फॉर्मेट ये सब चीज दिया, तो ऑनलाइन हमने अप्लाई किया। ऑनलाइन हमने एसआरएम मोटर्स को बताया, एसआरएम मोटर्स वालों ने पूरा सहयोग किया और उनके सीए ने एसआरएम मोटर्स के रिफंड के लिए अप्लाई किया। और वो रिफंड जब अप्लाई किया उसके 1.5 महीने के बाद हमको रिफंड परसों आ गया और मिल भी गया। और इस बीच में मैंने जीएसटी के पोर्टल पे जाकर के एक शिकायत भी दर्ज की थी कि हमने अप्लाई किया, उन्हें मिला, तो इस तरीके से मिल गया है। तो ये हमको आज
चेक मिल गई है, 35,917 रुपए की चेक मिल गई है। ये देखिए 35,917 रुपए की चेक मिल गई है एसआरएम मोटर्स के द्वारा, क्योंकि रिफंड एसआरएम मोटर्स को आया था तो एसआरएम मोटर्स ने हमें वो चेक दी। इस बीच में उन्होंने हमें कुछ रिवाइज्ड जीएसटी की कंसेशनल गाइडलाइंस फॉर द व्हीकल परचेज बाय डिसेबल पर्सन, ये हमको गाइडलाइंस भी जो नई उनकी आय प्राप्त हुई है वो हमको उन्होंने प्रदान की। तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ते हुए आपको पूरे नए नियमों को विषय में बता रहा हूं। ये ऑर्डर है 24 अक्टूबर 2019 का। हमने आपने देखा 18 में हमने लिया था, लेकिन जो है ये 18 में 21/6/18 को हमने खरीदा था गाड़ी, तो वो जिसका रिफंड हमको परसों मिला है, तो इस जो परसों हमको रिफंड मिला 35,917 रुपए, उसको इस तरीके से मिला, लेकिन अब ये सब करना नहीं है। अब हमको पहले ही जीएसटी कंसेशन, जो भी आप गाड़ी कर रहे हैं उसका 10% कंसेशन कम करके ही वो मूल्य लेंगे, अब तुरंत त्वरित होता है। तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है वो प्रक्रिया आपको मैं बताना चाहता हूं। जीएसटी का ये उद्योग भवन रिवाइज गाइडलाइंस फॉर इश्यू ऑफ द जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर द परचेज ऑफ व्हीकल बाय द पर्सन्स विद ऑर्थोपेडिक फिजिकली डिसेबिलिटी, ये है फाइल नंबर 12-42-2015 AEI, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस का आदेश है। उद्योग भवन न्यू दिल्ली से 24 अक्टूबर 2019 को निकलता है। उसमें लिखा गया है, सब्जेक्ट है रिवाइज गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर परचेज ऑफ व्हीकल बाय द पर्सन विद ऑर्थोपेडिक फिजिकली डिसेबिलिटी। अब मैं बहुत सी बातें उनकी न पढ़ करके मैं मूल मुद्दे पे आता हूं, जो लिखा गया उसका अंग्रेजी बताता हूं, अंग्रेजी के बाद उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको बताता जाता हूं। इसके नियम, फॉलोइंग मोटर व्हीकल्स ऑफ द लेंथ नॉट एक्सटीजिंग 4000 mm, नेमली देखिए 4000 से जो लंबी गाड़ियां नहीं उनके लिए ये आदेश है, और पेट्रोल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसे एलपीजी की हूं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की गैस सीएनजी चालित वाहन हूं, ड्राइवन व्हीकल ऑफ द इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 1200 cc, 1200 cc के इंजन से ज्यादा वाली गाड़ी आप नहीं ले सकते, उससे मतलब आप ले सकते हैं लेकिन उस पर कंसेशन नहीं मिल सकता है। तो इस तरीके से डीजल ड्राइवन व्हीकल ऑफ द इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 1500, डीजल वाली गाड़ियां हैं तो उनकी उनके इंजन की कैपेसिटी 1500 cc से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके लिए जो आपका भारी उद्योग मंत्रालय एक जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट उनके फॉर्मेट पे अप्लाई करने के बाद इशू करता है, वो डीलर को ही जाता है। तो वो क्या कहते हैं, कैसे हैं, 3 अकॉर्डिंग इन सुपरसेशन ऑफ ऑल द प्रीवियस गाइडलाइंस इशूज बाय द डिपार्टमेंट हैवी इंडस्ट्री रिवाइज गाइडलाइंस फॉर द इशू ऑफ जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर परचेज ऑफ व्हीकल्स बाय द पर्सन विद ऑर्थोपेडिक फिजिकली डिसेबिलिटीज इज गिवेन एजेंडा, मतलब उसके सब गाइडलाइंस नीचे दी जा रही है। क्या है, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी टू पर्सन विद ऑर्थोपेडिक फिजिकली डिसेबिलिटी विल बी एप्लीकेबल टू दोज पर्सन हु आर हैविंग ऑर्थोपेडिक फिजिकली डिसेबिलिटी ऑफ इक्वल टू आर ग्रेटर देन 40%, 40% जिनकी डिसेबिलिटी ज्यादा है या 40% है उन्हीं को ये कंसेशन दे है। फिर दूसरा है, दिस कंसेशन कैन बी अवेल फॉर द फॉलोइंग मोटर व्हीकल ऑफ लेंथ नॉट एक्सीडिंग 4000 mm ओनली नेमली, 4000 mm से जिनकी लंबाई ज्यादा नहीं है उसी को ये दी जा सकती। फिर क्या है, अब वो तो बता ही चुके हैं, पेट्रोल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज एलपीजी सीएनजी पे, ये तो ऑर्डर है, ये पॉइंट नंबर 6 के ऊपर है ऑर्डर, तो उसको पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। फॉर अवेलिंग ऑफ द कंसेशनल ड्यूटी एंड एलिजिबल एप्लीकेंट विद द ऑर्थोपेडिक फिजिकली डिसेबिलिटी दैट इज 40% डिसेबिलिटी स्टाइल, ये 40% की डिसेबिलिटी या उससे ज्यादा होनी चाहिए। मेक एन एप्लीकेशन टू डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री DHI इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड एट एनेक्जर ए, उसके वेबसाइट पे जाकर के आप एनेक्जर ए DHI के उससे डाउनलोड कर सकते हैं, एनेक्जर ए में आपको अप्लाई करने होगी। फिर
बी सबमिट ए मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द कंट्रासाइंड इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट प्लेस्ड एट एनेक्जर बी। एनेक्जर बी में आर्थोपेडिक हैंडीकैप डॉक्टर, आर्थोपेडिक सर्जन और दो डॉक्टर और, फिर उसके बाद तीनों को करने के बाद सीएमओ को साइन करता है, वो सीएमओ साइन करता है। फिर सी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द कॉपी ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स। जो भी व्यक्ति हो उसकी आर्थिक स्थिति देखने के लिए तीन साल का, विगत तीन साल का फॉर्म 16 जो आपने सबमिट किया है इनकम टैक्स का रिटर्न, उसकी कॉपी आपको लगानी होगी। फिर डी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सेल्फ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ही हैज नॉट अवेल दिस कंसेशन इज द लास्ट फाइव ईयर्स एंड ही विल बी हिल नॉट डिस्पोज ऑफ द व्हीकल फॉर। ये पांच साल पहले आपने कंसेशन नहीं लिया है, अगले पांच साल तक इसके कंसेशन के लिए किसी दूसरी गाड़ी पे आप अप्लाई नहीं करेंगे, ये पांच साल तक गाड़ी रखेंगे। फिर सेवन एमंग अदर डिटेल्स एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ व्हीकल्स मॉडल दे इंटेंट टू परचेज along with the name of the dealer from whom vehicle will be purchased and name of the RTO where vehicle will be registered। आपको अपने RTO का नाम और नंबर देना होगा और जिस डीलर से आप लेने जा रहे हैं उसका पूरा पता, उसका पूरा एड्रेस, जहां से कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हैं, इसका सबका विवरण पूरा देना होगा। After processing of the application, Department of the Highway Industry is expected to issue certificate for availing the GST concession in the prescribed format placed at Annexure D to the applicant within a period of 4 weeks from the date of receipt of the application। जब आप application भेजेंगे वहां पे जिस दिन मिल जाएगी उसके चार सप्ताह के अंदर एक वो सर्टिफिकेट आपके लिए भेजेंगे, चार सप्ताह के अंदर एक सर्टिफिकेट भेजेंगे। दिस वो आपको भेजेंगे और आपके डीलर को भी भेजेंगे। द सेट सर्टिफिकेट फॉर अवेलिंग द जीएसटी कंसेशन वुड बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम डेट ऑफ इशू। आप दस, अब वो सर्टिफिकेट जो आपको इशू हुआ है वो केवल 3 महीने तक के उसकी वैलिडिटी है। फिर DHI विल सेंड ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट टू रिस्पेक्टिव डीलर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, OEM एंड रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस फॉर देयर रिकॉर्ड एंड क्रॉस चेक कंफर्मेशन। वो सर्टिफिकेट एक तो आपको डीलर को भेजेंगे, एक आपको भेजेंगे, आपके एक RTO को भेजेंगे। कार डीलर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू चार्ज द कंसेशन रेट ऑफ GST टू द इंडिविजुअल इन हुज नेम GST सर्टिफिकेट इज यूज एंड स्टाम्प द इनवॉइस ऑफ ऑल सच कार्स परचेज विद GST कंसेशन विद होलोग्राम सिंबल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा टू बी रजिस्टर्ड एज अडॉप्टेड व्हीकल। फिर वो जो डीलर्स आपकी गाड़ी जो इशू करेंगे उस कागजों के ऊपर वो एक होलोग्राम लगाएंगे टू बी रजिस्टर्ड एंड अडॉप्टेड व्हीकल, ये होलोग्राम लगा देंगे और आपको कंसेशन करके गाड़ी दे देंगे। ऑल व्हीकल सोल्ड ऑन द स्टेंट ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाई द DVI एंड विद द कंसेशन GST वुड बी रजिस्टर्ड अडॉप्टेड व्हीकल। ये सब व्हीकल इस प्रकार की जो है उनको अडॉप्टेड व्हीकल के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया जाएगा। एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 2019 मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे MORTI 1 वुड इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू दिस इन दिस रिगार्ड। एप्लीकेंट वुड इन्फॉर्म DHI अबाउट द परचेज ऑफ व्हीकल्स। और एक चीज हमने भी नहीं किया, बहुत लोग करना भूल जाते, जब आप परचेज कर लें ये सब प्रक्रिया हो जाए तब भी आपको हैवी इंडस्ट्री को उनके रेफरेंस के आधार पर यह सूचित करना होगा कि हमने गाड़ी खरीद ली है। The eligible physically handicapped person according to the above guidelines may and their application along with all required documents to the following address। ये किस एड्रेस पे आपको भेजा जाना है, ये फॉलोइंग एड्रेस पे आपको भेजा जाना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री उद्योग भवन न्यू दिल्ली। तो इसकी हम ये देखे जो हमने पढ़ा है उसकी सबकी एक एक पूरी कॉपी लगाए देते हैं। तो मित्रों ये आपके लिए उपयोगी जानकारी देने का प्रयास किया, आपको कैसा लगा? आप भी अगर कोई कार खरीदने का हैं
आप इन सब प्रक्रियाओं को अप्लाई करें और निश्चित रूप से आपको कंसेशन मिलेगा। हमको हमने तो जो भुगता है बहुत दिन के बाद रिफंड की चेक मिली है, बड़ी लड़ाई करने के बाद, लेकिन आपको अगर ये प्रक्रिया करेंगे तो आपको इतना रुपया 10% जीएसटी का 10% जो आपके व्हीकल है उसका 10% आपको कट करके ही भुगतान करना होगा। तो मित्रों ये कैसी जानकारी लगी, इस जानकारी को आप भी देखें और अपने मित्रों को बताएं, और अगर आप गाड़ी नहीं ले रहे हैं तो जो गाड़ी ले रहा हो तो उस तक की बात जरूर पहुंचाएं। और कोई भी डीलर्स भारतवर्ष के अंतर्गत किसी भी कंपनी का गाड़ी का निर्माता हो वो इस इंस्ट्रक्शंस को मना नहीं कर सकता। अगर कोई मना करता है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और भारत सरकार को सीधे लिख सकते हैं और हम उनसे वार्ता करेंगे और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर है 7007846347 और ईमेल एड्रेस है trustviklangsathi@gmail.com। धन्यवाद।